दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। और जिस तरह से इस वक्त लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण के मतदान से पहले स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि लोग आकलन लगाने लगे हैं कि बाकी चरणों में भी बीजेपी के लिए घाटे का सौदा दिखाई दे रहा है। दिखने लगा है कि किस तरह से बीजेपी के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जब संसद में ये कहा कि 400 पार करेंगे, उससे पहले लाल किले की चार दीवारी से वो कह चुके हैं कि अगली बार भी वही वहां पर होंगे, झंडा फहराएंगे, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रहा है। लेकिन उन सब के बाद अब गले से ही बात नहीं उतर रही है कि जो चुनाव प्रतिशत जिस तरह से घटा, तो क्या मोदी जी इस पूरी सिचुएशन में ये मान लेंगे कि क्या वाकई में उनके ब्रांड में गिरावट आ रही है, या फिर वो नहीं मानेंगे तो क्या होगा? क्या अगर जनता ने उनको नहीं माना और फैसला पलट गया तो क्या मोदी जी उसे स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि जिस तरह से लगातार सत्ता का वो सुख भोग रहे हैं, वहीं पर सत्ता से एकदम से बेदखल हो जाना, क्या वो उस बात को डाइजेस्ट कर पाएंगे या फिर प्लान भी कुछ और है जो हो सकता है? काफी कुछ कहना इसमें जल्दबाजी होगा, लेकिन राजनीति में आंकलन इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि बहुत कुछ पटकथा पहले शुरू हो जाती है और उसके आधार पर आगे बहुत कुछ कुछ ना कुछ तो घटता हुआ दिखा देता ही है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर पावा जी, उन्हीं से हम बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इंटरनेशनल सिनारियो में भी ये सब होता रहा कि जब जो उस देश का राजा है, जब वो चुनाव हार भी जाता है या चुनाव के हार उसे दिखाई देने लगती है, परिणाम आने से पहले भी कई बार बहुत कुछ बदला है। क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं और किस तरह से देश के जो आका हैं वो तस्वीर को स्वीकार नहीं करते और वहां पर बहुत कुछ बदलने की बात करते हैं। देश में इस वक्त संविधान बदलने को लेकर भी लगातार बहुत ज्यादा एक अंदर रोष जो है वो दिखने लगा है। आम आदमी समझने लगा है और चर्चा करने लगा है कि अगर आए तो संविधान बदल देंगे, लेकिन ये सब कुछ क्या इतना मुमकिन है और क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? डॉक्टर पावा जी, थैंक यू विनीता एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस काइंड ऑफ टॉपिक। आप जैसा टॉपिक और जैसे सवाल लेकर आए हैं ये यकीनन काबिले तारीफ है। और हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में इतिहास पढ़ाया जाता है, इतिहास के साथ साथ हम बाकी लोगों को भी पढ़ते हैं, देखते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं या अगर ऐसी कोई गलती होने वाली हो तो उसको पहले से उसके लिए सचेत हो जाएं। दूसरी बात होती है, हमें एक खास एक मुद्दा होता है या एक खास हमारा मूल मंत्र है कि शक करो, सब पर शक करो, हर बात पर शक करो, हर मूवमेंट पर शक करो, तो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी, आपको आने वाले खतरे का एहसास हो जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में ऐसा होगा कभी, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली भारत में एक बार सत्ता परिवर्तन हुआ था 1977 में, जब कांग्रेस और मिसेस गांधी के खिलाफ पूरी भारत की जनता इलेक्शन में खड़ी हो गई थी और सिर्फ उनका एक ही ध्येय था, एक ही उनका टारगेट था कि कैसे भी करके हमने इनको सत्ता से बाहर करना है। इस बार भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि विपक्ष से कम और जनता ज्यादा लड़ रही है। लेकिन आपका जो मेन सवाल था कि क्या मोदी जी सत्ता छोड़ देंगे, ये बेशक एक सोचने वाली बात है और इस बिंदु पर भी विचार किया जाना चाहिए कि जैसे मिस्र में हुआ, वहां जनरल सीसी ने जब सत्ता कब्जाई और उसके बाद उसने अपने विरोधी को जेल में डाल दिया, वो बेचारे जेल से ही और अपना जीवन समाप्त कर गए। और लेटेस्ट में अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में ऐसा हुआ, वहां इमरान खान 80% की लीड से जीता, लेकिन वहां का जो भी एस्टेब्लिशमेंट था जिसके हाथ में भी पावर थी, ऐसा तो है नहीं कि किसी देश में डीप स्टेट नहीं होता, हर देश में होता है। और ये है कि पाकिस्तान में वर्दी में होता है, सामने नजर आता है, तो हमारे यहाँ भी अधिकारियों का एक ग्रुप ऐसा जरूर होता है जिनके इशारे पर, जिनके कहने पर पूरी सत्ताएं चलती हैं और मंत्रालय चलता है। हालांकि इस तरीके की बात को पब्लिकली कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन ये रियलिटी है और ये कड़वा सत्य है।
मैं ये मानता हूं कि जितने भी हमारे मंत्री हैं या नेता हैं और इवन प्रधानमंत्री हैं, बहुत कम ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको नौकरशाह 100% इंफॉर्मेशन देते हो या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हो। फिर प्रश्न में फिर मेन मुद्दे पर आते हैं कि अगर बीजेपी हार जाती है, अभी हम नहीं कह रहे कि वो हार ही जाएगी, हमारा कोई सर्वे भी नहीं है और ना हम सेफोलॉजिस्ट हैं, लेकिन अगर बीजेपी हार जाती है या बीजेपी ना भी हारे जीत जाती है और आरएसएस या बीजेपी के बाकी लोग कहते हैं कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करते, तो क्या मोदी जी का की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो सत्ता छोड़ देंगे? क्या जब उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दिया था जिसका आपने जिक्र किया कि तीसरी बार भी मैं बनकर आऊंगा, और उसके अलावा भी उन्होंने 2047 के सपने दिखाए, उसके अलावा भी उन्होंने कई बार क्लेम किया कि मेरा आने वाला समय अगले 1000 साल का इतिहास लिखेगा, तो कहीं ना कहीं वो खुद को चंद्रगुप्त या घनानंद या पुष्यमित्र शुंग की तरह सोच रहे होंगे कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। हो सकता है उनके मन में ये विचार हो कि आरएसएस की 100 साल शताब्दी दिवस मनाने वाले हैं, उसमें वो कुछ ऐसा करके देंगे कि दुनिया फिर से याद रखे, चाहे उसको वो हिंदू राष्ट्र घोषित करना हो, चाहे संविधान में परिवर्तन की बात करनी हो। और संविधान में परिवर्तन का आरोप विपक्ष नहीं लगा रहा, जनता नहीं लगा रही, वो उनके ही मंत्रियों ने कहा है, चाहे साक्षी महाराज हो चाहे हेगड़े हो, उन्होंने ही कहा है कि हमको 400 पार चाहिए। अब की बार 400 पार का जो नारा दिया गया उसके पीछे स्पष्ट ये संकेत था कि आप 400 से ज्यादा सीट हमें दिलाएं, हम संविधान में संशोधन करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो क्या मोदी जी छोड़ देंगे? मुझे नहीं लगता कि वो सत्ता को छोड़ देंगे या वो इतनी आसानी से कुर्सी से नीचे हो जाएंगे, ये उनके व्यक्तित्व के साथ मैच नहीं करता। चाहे आप गुजरात देख लें, जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो जिन्होंने भी उनको चुनौती दी वो या तो हटा दिए गए या हटा दिए गए। उसके अलावा उनके एक सहयोगी थे विश्व हिंदू परिषद प्रवीण तोगड़िया सॉरी, उनके साथ क्या हुआ हम सबने देखा। गुजरात के अंदर एक स्थिति ये बताई जाती थी कि हर थाने के अंदर विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यकर्ता बैठता था और उसका जो इशारा होता था वैसे ही वहां की नौकरशाही करती थी, लेकिन वो विश्व हिंदू परिषद आज पटल पर कहीं दिखाई नहीं दे रही। यही बात संघ की है। आरएसएस को भी लगता है कि अगर हम फिर से इसी ट्रैक पर चलते रहे जिस पर मोदी जी चला रहे हैं, तो मोदी जी तो आरएसएस पर कब्जा कर ही लेंगे, लेकिन जनता के मन से आरएसएस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर मंगलसूत्र की बात पर आरएसएस या कोई दूसरी उनके सहयोगी दल उसको करते हैं, उसको अपील करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, तो आप ये मान के चलें कि वो जनता के दिलों से उतर जाएंगे। इसीलिए इसी वजह से ये लगता है कि मोदी जी के पास कोई बी प्लान है, उनकी सोची समझी कोई ना कोई इनके पास ऐसी समझ है जिसमें उन्होंने उस परिस्थिति को भी पहले से आकलन कर लिया है कि अगर संघ मेरे साथ नहीं है, अगर जनता मेरे साथ नहीं है, तो मैं सत्ता से बाहर कैसे होऊंगा। और ये उनके लिए इसलिए पॉसिबल नहीं है कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं या जिस तरीके से इलेक्टोरल बांड से लेकर ईडी और सीबीआई, देखिए इस दुनिया में अगर सबसे जल्दी कोई परिवर्तन करने वाली साइकोलॉजी होती है तो वो नौकरशाहों की होती है, जो पुलिस है, जो ईडी है, जो सीबीआई है। अगर आज वो ए के लिए काम कर रही है तो वो उतनी ही मुस्तैदी से बल्कि उससे भी बढ़कर बी के लिए काम करेगी, क्योंकि उसका अपना चैप्टर और अपना फाइल क्लियर करनी होती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? क्या कोई बी प्लान है? ये हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। क्या वो युद्ध करेंगे? ये हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। क्या वो अराजकता की तरफ ले जाएंगे देश को? ये हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, ये हम सवाल जरूर एक बार फिर से खड़ा करते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, और ऐसे होने के चांसेस हो भी सकते हैं। डॉक्टर बाबा, यहाँ पर नहीं भी हो सकते पूछे, उससे पहले एक बड़ा सवाल ये निकल के आ जाता है कि इन दिनों तो खुद आरएसएस की चर्चाएं बड़ी जोर शोर से चल रही है कि उनकी विचारधारा के साथ भी वो मेल नहीं खा रहे हैं। तो आरएसएस की विचारधारा तो खुद ही इतने वक्त से ये संघर्ष कर रही है कि कितने लोग उनके साथ जुड़ जाए,
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग विचारधारा के साथ क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको ये लगता है कि वो आरएसएस की विचारधारा के साथ नहीं चल रहे हैं? तो फिर जनता की विचारधारा या जनता के साथ जुड़ना या वो फैसला ले सके, ये तो बहुत दूर की बात हो गई ना। फिर देखिए, आरएसएस के साथ चाहे हम एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये तो मानना होगा कि वो संगठित एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो कभी भी खुलकर समाज के प्रति वैर भाव प्रदर्शित नहीं करता। वो ये कभी नहीं कहता कि मुसलमान घुसपैठी हैं, वो कभी नहीं कहता कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादा होते हैं। हाँ, वो ये जरूर कहता है कि मुसलमान भी नागरिक है लेकिन उनको यहाँ की संस्कृति के हिसाब से रहना चाहिए। वो चाशनी में लपेट के जलेबी तलते हैं, इस तरीके की बातें नहीं करते हैं। ऐसी बातें करने से मुसलमान या कोई भी अल्पसंख्यक, उसमें सिख भी हो सकते हैं, बाकी लोग भी हो सकते हैं, वो उनके साथ जुड़े या ना जुड़े लेकिन उनसे विरोध नहीं करता था। पर मोदी जी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं, उससे जो नॉर्मल हिंदू है, जो आरएसएस का विरोधी नहीं था, समर्थक भी नहीं था, विरोधी भी नहीं था, न्यूट्रल था, उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं आ गया है कि ये साइकोलॉजी हमारी सोसाइटी को बर्न कर रही है, हमको तोड़ रही है। क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप देश की जनता के 20-22 करोड़ लोगों को अरब सागर में जाके डुबो देंगे, और ये भी संभव नहीं है कि आप उनको पाकिस्तान, बांग्लादेश या सऊदी अरब में भेज देंगे। और ऐसा सब करने के बावजूद भी आप यूएई जाते हैं, गले मिलते हैं, आप सऊदी अरब जाते हैं तो प्रोटोकॉल तोड़ के वहां के अली वैद को लेने जाते हैं, सलमान को, और हाथ बाहें फैलाकर उसका स्वागत करते हैं। तो ये जो दो तरफा बातें हैं, अगर किसी को लगता है कि पब्लिक भूल जाती है, तो आज इंटरनेट के, मोबाइल के और गूगल के जमाने में कोई भूलता नहीं है। आप एक क्लिक दबाएं, सामने वो फोटो भी आ जाती है, वो वीडियो भी आ जाती है। तो अगर किसी को लगता है कि आज मंगल सूत्र बांसवाड़ा में कह दिया और कल हम अलीगढ़ में या कहीं और कुछ और कह देंगे, मरहम रख देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो लोगों के घरों में दिमाग में घर कर जाती है। और वो प्रॉब्लम आरएसएस के लिए इसलिए ज्यादा तकलीफ दे है कि आरएसएस नहीं चाहती कि वो समाज से कट जाए या उसका हाल वो हो जाए जो हिटलर के नाजी का हुआ था या मुसोलिनी की अपनी ब्राउन शर्ट का हुआ था। वो अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगली पीढ़ी में कभी उनकी विचारधारा को कोई स्वीकार करेगा। और बहुत जल्दी बदलने वाले लोग हैं, इसीलिए आरएसएस ने गुरु गोलवरकर को भी साइडलाइन कर दिया था और वो आज वो ओपनली मना करने लगे कि बंच ऑफ थॉट से आरएसएस का कोई नाता नहीं है, जबकि वो पब्लिश ही उन्होंने की थी। तो ऐसे में मोदी जी को वो एक्सेप्ट कर लेंगे? वो तो यूज एंड थ्रो वाले हैं, उन्होंने अपने ही सरसंघ चालक को पद से हटा दिया था और बाद में वो नाले में कहीं मिले थे बहुत बुरी हालत में, डायमेंशिया हो गया था, क्या हो गया था। ऐसा ही आप याद करें, जब इंडिया शाइनिंग अटल जी ने चलाया था तब भी आरएसएस ने उनको सहयोग नहीं दिया था और अल्टीमेटली उनको अपनी सत्ता से बाहर होना पड़ा था। लेकिन अटल बिहारी जी की साइकोलॉजी में और व्यक्तित्व पर्सनैलिटी में और मोदी जी और अमित शाह की पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का अंतर है। तो फिर वही सवाल आता है कि अगर ये हार भी गए तो क्या अटल जी की तरह ये चुपचाप सत्ता सौंप देंगे? मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये ऐसा कोई वक्तव्य दे देंगे कि जनता का आदेश हमें स्वीकार्य है और हम उसका सम्मान करते हैं और आने वाला जो भी प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, XYZ आप हो या कोई भी हो, हम उसको अपनी ये सत्ता की चाबी सौंपते हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, या कुछ ना कुछ तो उन्होंने जरूर सोचा होगा, मेरे मन में संदेह। लेकिन अगर हम ये बात कह रहे हैं जहाँ पर हम बाकी तमाम देशों के साथ में ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ मुमकिन है, मैंने एक सवाल शुरू में किया था जिसमें सर ये था कि संविधान की भी बात है, जब हम इतनी बाकी देशों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे देश के संविधान में और वहाँ में बहुत फर्क है और भारत में कभी इस तरह की स्थिति अभी तक नहीं हुई है
कि अगर कोई अगर हार से हताश है तो फिर वो इस तरह से देश के संविधान के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है। देखिए जब मुशर्रफ ने कू किया था और उसके बाद जब उसको हटा दिया गया तो सबसे पहला वहां पर संविधान में यही परिवर्तन किया गया कि आइंदा जो भी कोई कू करेगा या गैर संवैधानिक बात करेगा उसको आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन फिर भी जियाउल हक ने कर दिया था और उसके बाद भी बहुत सी ऐसी बातें आज तक हो रही हैं, असंवैधानिक बातें हो रही हैं। हमारे यहाँ भी संविधान निरस्त हो गया था 1975 में और आज जो कुछ चल रहा है क्या ये संविधान के अनुसार ही है सब कुछ? आज अगर प्रधानमंत्री के विरुद्ध 17,000 शिकायतें हैं और एक दिल्ली के ही पत्रकार हैं कुर्बान अली, उन्होंने तो बकायदा FIR भी लॉन्च करा दी है पटियाला कोर्ट में जाकर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो संविधान के विरुद्ध बोला जा रहा है। और अभी तक साक्षी महाराज से लेकर फायर ब्रांड लोग थे वो संविधान के विरुद्ध बोल रहे थे, महात्मा गांधी को गालियां दे रहे थे, गोडसे की पूजा कर रहे थे। तो संविधान तो एक पुस्तक है, अगर हम उसे माने तो पवित्र है, सब कुछ है, और अगर हम नहीं माने तो वे कागज पर लिखे हुए अक्षर है, अनपढ़ आदमी के लिए कुछ भी नहीं होते। संविधान पढ़े लिखे के लिए और उसको सम्मान देने के लिए है। और मैं याद करा दूं कि मोदी जी ने सबसे आते ही सबसे पहले संसद को प्रणाम किया था, दंडवत प्रणाम किया था, उसके बाद उन्होंने वो संसद डिस्ट्रॉय कर दी, आज नई संसद में है। उसके बाद उन्होंने संविधान को भी प्रणाम किया था और संविधान को बदलने की बात हम नहीं कर रहे, बीजेपी के नेता कर रहे हैं, उनके अपने मिनिस्टर कर रहे हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि संविधान में परिवर्तन होगा। चाहे वो परिवर्तन में सिर्फ आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हो, चाहे वो परिवर्तन में अल्पसंख्यक को सेकंड सिटीजन बनाने की बात कर रहे हो, या कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको हम आज असंवैधानिक मानते हैं, लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या कर लेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम उन संभावनाओं के बारे में अपने विचार रखने के लिए, जो क्या पता घटित ना भी हो, क्या पता घट भी जाए, लेकिन हाँ जनता का जो एक विजन है चारों तरफ खुला हुआ क्या पॉसिबल हो सकता है वो जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।